मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आप लोग फटाफट जुड़ जाएँ और वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे अन्य साथी भी आपके हमारे साथ जुड़ सकें। तो ठीक, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले आप लोग के लिए एक सूचना है, जो प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस सेट इस समय आपको मौजूद समय पर मिल रहे हैं उसका ड्यूरेशन टाइम है कि सुबह जो है, सुबह के समय आप लोग 10 बजे हमारे साथ 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर ही रहे हैं। साथ साथ आपको सुबह ही 11:30 पर गणित का भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा होगा और वहां भी आप लोग मौजूद होकर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। और उसी के बाद शाम को आपको 7 बजे जो है आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट, इसी सुपर टेट के सभी विषय को हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं, तो ये 7 बजे शाम को हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और 8 बजे के समय शाम को संस्कृत का जो है आपको संस्कृत का भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो रहा है। तो आप लोग वहां पर भी जा करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और लाइव भी जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो ये सूचना थी, सूचना समाप्त होती है। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहां पे भाषा के 40 प्रश्न पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो 40 प्रश्न यहाँ पे इसका है, जिसमें 20 हिंदी का है और 10 इंग्लिश का, साथ साथ 10 संस्कृत के प्रश्न भी कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा सही पर्यायवाची नहीं है, यानी कि अलंकार का जो पर्यायवाची है वो आभूषण है, भूषण है, गहना है। तो यहाँ पे आंसू का नयन, तारिका नीर, इष्ट का वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट और आडंबर का ढोंग, ढकोसला या पाखंड। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को कमेंट करके आंसर बताते रहना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आंसू का जो है ये नयन तो होता है, एक मिनट, ये आंसू का नयन नहीं होता है, ये आंख का होता है। ठीक, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, पहला इसमें बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही नहीं है। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में वाक् वैभव का संधि विच्छेद सही है। तो वाक् वैभव का संधि विच्छेद किस में सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे वाक प्लस वैभव बिल्कुल सही ऑप्शन। जो तीसरा वर्ण होता है वो पंचम, तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण जो होता है वो पहले वर्ण में चेंज हो जाता है। ठीक, आप लोग जानते ही होंगे। और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसको अभूतपूर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग प्रत्येक विषय के हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के PDF की जो है तैयारी कराई जा रही है आप लोग के लिए। आप लोग इन प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इन प्रश्नों का PDF आपको जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इसमें लगभग 200 प्लस से, यानी 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट नाम मात्र के शुल्क पर आप लोगों को दिया जाएगा, जिसकी जानकारी या जिसकी सूचना आपको जल्द ही हम इसी चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। और पढ़ाई बिल्कुल ज़ोरों से लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी आने में देर भले हो रही है लेकिन वैकेंसी आपकी आएगी जरूर। चलिए, अगला प्रश्न है कि खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ बताइए। और आप लोग भी जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के चलिए। तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर बी बोली जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरी तरह नष्ट करना, खाक में मिलाना का मतलब होगा पूरी तरह से नष्ट करना। क्लियर। चल, अगला प्रश्न है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये लोकोक्तियों का अर्थ क्या है।
जब पेड़ बबूल का लगाया है तो आम कहाँ से मिलेगा, इसका जो है देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बुरे कर्म का फल बुरा होता है, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बाद अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपको सही कर्म से बैठाना है इसको, साथ साथ ऑप्शन भी दिखे तो सही रहेगा। चलिए दिख रहा होगा ऑप्शन यहाँ पे, और यहाँ पे पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर तीसरे चौथे को नंबर को यहाँ पे वर्णों के माध्यम से वाक्यों के माध्यम से लिखा गया है, उसके बाद छठे नंबर को यहाँ लिखा गया है नीचे। तो इसमें आप लोग इसको सीरियल से यानी क्रम वाइज सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे समाचार पत्रों का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल, पूंजीपति, धर्म या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक पाठकों का दृष्टिकोण संकीर्ण बनता है और चारों ओर इससे धार्मिक और सांप्रदायिक असहिष्णुता उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये ला वाला दूसरे नंबर पे था आपका, और रा तीसरे नंबर पे, उसके बाद या चौथे नंबर पे, और फिर पाँचवें नंबर पे हुआ था, ये पाँच नंबर हो गया और छः नंबर नीचे दिया ही गया है, तो मिलान कर लीजिए कौन सा सही है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन, ला एक नंबर के बाद ला रा या वा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें देखिए रसीला, जहरीला, बर्फीला शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मूल शब्द के जो अंतिम में लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है, और मूल शब्द के जो आगे या पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, यहाँ पे आ प्रत्यय लगा हुआ है, क्या जहरीला और रसीला, जहरीला और बर्फीला में आ प्रत्यय लगा हुआ है। एक मिनट, सातवें का आप लोग को कमेंट करके बताइए ये क्या आ सही है क्या। चलिए, लेकिन यहाँ पे आ सही नहीं होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सी इला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे रस में इला होगा तो रसीला हो जाएगा, जहर में इला होगा तो जहरीला हो जाएगा, बर्फ में इला होगा तो बर्फीला हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तत्पुरुष समास किसमें है। आठवें का तत्पुरुष समास किसमें है, तो पहला बिल्कुल राजकुमार में तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। नौ नंबर, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन इति प्लस आदि इत्यादि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है सब कुछ जानने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे सर्वज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है शब्द अलंकार नहीं है, कौन सा इसमें है कि जो शब्द अलंकार नहीं होगा। रूपक, श्लेष, अनुप्रास, यमक। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला, ये रूपक अलंकार जो है ये शब्द अलंकार नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अर्थालंकार है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका है बिजली चमकती है कैसा वाक्य है। बिजली चमकती है कैसा वाक्य है, तो ये वाक्य जो है वे सरल वाक्य है बिल्कुल, इसमें कोई ना तो संयुक्त है ना तो मिश्र है, ऑप्शन नंबर भी सरल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, इसमें कौन से शब्द है जिसका वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे पहला है श्रृंगार, इस टाइप से लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी भ्रम, श्रम और ये श्रृंखला और यहाँ पे श्रृंग, ये सब गलत है। ठीक, तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा होगा, तो तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यही पुत्री का सही पर्यायवाची शब्द समूह हो जाएगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, यानी कि वाक्य जो लिखे गए हैं ये गलत हैं, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तीन गलत हैं, एक शुद्ध है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, जिनके पास बहुत सोना है ये वाक्य शुद्ध है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंद इनमें से कौन सा है, रोला, चौपाई, सवैया या दोहा। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, सवैया जो है यह वर्णिक छंद के अंतर्गत आने वाला छंद है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका, हे मृग हे खग हे मधुकर सेनी, एक मिनट, हाँ चलिए दिख रहा होगा पूरा, हे खग हे मृग, माफ कीजिए, हे खग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी, इस पंक्ति में कौन सा रस है ये बताना है। 17 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर कमेंट करके आप लोग बताइए, बहुत अच्छे, यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पे उदाहरण है, क्यों, इसमें ये दर्शाया गया है कि जब माता सीता जी को रावण लेके चले गए थे, तो रावण जब भटकते हुए जंगलों में ढूंढते हैं सीता को, सीता नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पे वो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे खग हे पक्षी हे मृग हे भौरे, या सबसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि तुमने देखी सीता मृगनानी, कि मेरी सीता को जो है देख कहीं देखा है, ये पूछा जा रहा है इसमें, ठीक। तो यानी कि श्री रामचंद्र जी सीता के वियोग में क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन, उम्मीद है समझ में आया होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गद्यांश पढ़कर आप लोग प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 18, 19 और 20 नंबर के प्रश्न के गद्यांश देने हैं आपको, गद्यांश के उत्तर देने हैं। संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की जो है स्थिति बनाए हुई है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है संसार से और पढ़ते जाना है, ये पहला पेज है, और इसके बाद आपको आखिरी पेज, मतलब आखिरी पेज के रहें, ये नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज के बाद यहाँ पे भी ये पेज है, ठीक, नेक्स्ट पेज अगला है, इसको भी पढ़िएगा, और साथ साथ क्वेश्चन भी आपका आ गया है, और क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। जैसे इस अंश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन, यथार्थ एवं एकांगी एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति सतर्क, मतलब जो है सचेत किया गया है या सतर्क किया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन सा है, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन होता है, इसमें भी सी बिल्कुल, यथार्थ का जो घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला होता है यही सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति होता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और 20वां नंबर का प्रश्न है, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे क्या भाई, तो उसे जो है जीवन का स्पर्श मिलता है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ साथ अगला प्रश्न है, इंग्लिश का पोर्शन आ गया है, इसमें भी हम लोग प्रश्नों के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग प्रश्न को आंसर हमारे साथ मिलान करते चलिएगा। 10 प्रश्न और देखिए 10 प्रश्न कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपका विलोम शब्द यानी एंटोनियम्स बताना है, ये शब्द है आपका, इसका एंटोनियम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपको सब्स्टिट्यूट का वर्ड है, यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा गया है, इसको सेंटेंस में एक शब्दों में क्या कहेंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे खाली स्थान को फिल करना है, तो यहाँ पे हैड बीन लिविंग, ऑप्शन नंबर डी हैड बीन लिविंग बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 24 नंबर का प्रश्न है, एरर ढूंढना है, इसमें एरर यहाँ से ढूंढना है, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, उसके बाद ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन में है आर वेटिंग फॉर, फिर सी ऑप्शन में है द चीफ गेस्ट, उसके बाद नो एरर है, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एरर है, किस में एरर है, बी ऑप्शन में एरर है, और एरर क्या है, तो वेटिंग के स्थान पर वेटिंग हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे अवेटिंग लिखा है, तो अवेटिंग ना होकर के वेटिंग हो जाएगा, डब्ल्यू ए आई टी आई एन जी, क्लियर, अच्छे, बहुत अच्छे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भी खाली स्थान को फिर करना है, आई हैव लिटिल टाइम सो I can't tell you only, उसके बाद स्पेस है what he said, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ब्रीफली भर दिया जाएगा, यानी कि खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, ब्रीफली। सेकेंड यानी कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चेंज द नरेशन, नरेशन को चेंज करना है, सेंटेंस है आपका द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा हुआ है, बी क्यूट बॉय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, द टीचर अर्ज द बॉय टू बी क्यूट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसके साथ अगला प्रश्न है, चेंज द वॉइस,
यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करना है, माई अंकल प्रोमिस्ड मी ए प्रेजेंट्स, तो यहाँ पे सी बिल्कुल इसका 27 नंबर का बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाई माई अंकल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी, माफ कीजिए ए कह रहे हैं, बी बिल्कुल सही है, ध्यान देते चलिएगा टिक किस पे लगा हुआ है। और इसी के बाद अगला प्रश्न आपका है 28 से 30 का, यहाँ पर आपको इंग्लिश का पैराग्राफ लिया गया है, यहाँ से पढ़िएगा, मोर देन 2500 ईयर्स एगो, यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है, उम्मीद है ये भी पढ़ लिए होंगे, और पढ़ नहीं पाए वीडियो को रोककर आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट है यहाँ से, और ये इसका आखिरी पेज है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका, व्हाई वाज आशिता अनहैप्पी, तो ये आशिता जो है वो खुशी क्यों नहीं है, मतलब खुश क्यों नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यदि आप लोग पैराग्राफ्स को सही से पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और सी के साथ अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आपका सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, आफ्टर द चाइल्ड रेनाउंस्ड द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, व्हाई वाज सुदोधना नॉट हैप्पी, यानी कि सुदोधन जो थे वो क्यों नहीं है, खुश नहीं थे, तो यहाँ पे 30 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ संस्कृत के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, और यहाँ पे 31 और 32 नंबर का प्रश्न जो है ये संस्कृत का पैराग्राफ यानी गद्यांश दिया गया है, इसको आराम से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को मिलाते चलेंगे कितने प्रश्न आपके सही बने हैं, और कमेंट बॉक्स में उत्तर तो देना ही देना है साथ साथ, तो उम्मीद है इसको पढ़ लिए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, और ये नेक्स्ट पेज है, और 31 नंबर का क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, और पहला ऑप्शन सही होने के साथ दूसरे प्रश्न पे यानी 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ये जो शब्द लिखा गया है इसका संधि विच्छेद करना था यहाँ पे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, विषम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, विषम। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे बहुवचन बताना है, और षठी बहुवचन के रूप में कौन सा होगा राजन का, बहुत अच्छे, यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट 35 नंबर का प्रश्न है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, और बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट 36 नंबर के प्रश्न पे चलेंगे तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग इसमें सही हो जाएगा। जल देखिए, दही को छोड़ करके जितने भी शब्द हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, या वाराला जो है ये अंतस्थ वर्ण के अंदर आते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और अंतस्थ वर्णों की संख्या जो होती है यही चारों होती ही, चार ही होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है, क्लियर। चल नेक्स्ट है, धार्मिक पद में संस्कृत प्रत्यय है, तो धार्मिक का जो संस्कृत प्रत्यय होगा वो कौन सा है, तो पहला ठक प्रत्यय बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पहला बिल्कुल तमुह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वकास्त्रत का संधि विच्छेद क्या है, और इसका संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन नंबर सी वकह पलस्तत्र बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्लियर। तो 40 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे जो भाषा से लिए गए थे उसको कवर कर चुके हैं, अब यहाँ पे विज्ञान के 10 प्रश्नों को पहले कवर कर लेते हैं। चलिए 10 प्रश्न इसके भी हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग को उत्तर देते रहना है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो विशालतम स्तनधारी जीव है वो कौन है, हाथी है, ह्वेल है, डायनासोर है, या फिर गैंडा है। सबसे विशालतम स्तनधारी जीव जो है वो ह्वेल है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और ये जलीय जीव है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों के अध्ययन से होता है, तो डी बिल्कुल सही, यहाँ पे पैलियोन्टोलॉजी जो है, यहाँ पे ये जो जीव विलुप्त हो रहे हैं उन जीवों के अध्ययन से ये संबंध रखता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं वो कौन से हैं, इसमें पहला बिल्कुल सही ऑप्शन नॉन स्टार्क
एनाबीना जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त तार का प्रयोग कौन सा होता है, यानी कौन से तार का प्रयोग होता है फ्यूज तार में। तो यहाँ पे जिसका गलनांक सबसे कम होता है उसी का प्रयोग होता है फ्यूज तार में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि बैलगाड़ी को खींचते समय, ध्यान दीजिएगा कि बैलगाड़ी को खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है, जो बैल बल लगाते हैं बैलगाड़ी को खींचते समय उस समय उस वक्त कौन से बल वे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये पेशीय बल लगाते हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है, जड़, फूल, पत्ती, तना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी, पत्तियों के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को जो है छोड़ा जाता है। ठीक, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन से हैं। यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही एक परमाणु के आधारभूत अवयव होते हैं, सभी को मालूम है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी, यानी चूने का पानी का रासायनिक नाम सीधा यहाँ इसे पूछना चाहिए था प्रश्न, लेकिन थोड़ा घुमा दिया गया है इसलिए आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, CaO जिसका फार्मूला है। ठीक, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कौन सा एक आवेश रहित कण है, आवेश रहित कण कौन सा है। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेश रहित होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, इसको हम लोग निष्क्रिय भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या फिर गैस्ट्रिन। तो यह गैस्ट्रिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चल। और यहाँ से अगला पोर्शन जो आता है ये 20 प्रश्न आपके मैथ के हैं, मैथ के प्रश्नों को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारे सर के द्वारा अभी आपको क्लास जो है 11:30 पर अवेलेबल हो जाएगा और इसका पूरा डिटेल और सार वहाँ से आप लोग देखिएगा। यदि आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए और 150 प्रैक्टिस सेट का प्रश्न वहाँ पे यही सेम प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएगा PDF फॉर्म में, आप लोग वहाँ से उसको लोड करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला पोर्शन है आपका पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान का। इसमें 40 प्रश्न हम लोग ज्ञान जो है कवर करेंगे, साथ साथ इसमें करंट अफेयर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के संबंध से संबंधित है। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा जिसका नाम BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसी के द्वारा कनेक्टिंग इंडिया नारा ब्रांड या उत्पादन के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये RBI जो है आपका अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका पूरा नाम है, यही जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है इसी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये RBI जो है सभी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बिल्कुल सही ऑप्शन, पामीर का पठार विश्व का यानी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है और पामीर के पठार को ही दुनिया की छत का भी कहा जाता है, यानी कि विश्व का छत भी इसी पठार को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये तिब्बत में स्थित है, ये भी ध्यान साथ सब ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में, बंगलुरु में, चेन्नई में, लखनऊ में। तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला है, विश्व का एकमात्र जो पल्बी राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है। पल्बी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, ये दुनिया का है।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो है आपका, वो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, तो यह खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी भाषा है वो कौन सी है, तो यहाँ पे दो भाषाओं में इसका कार्यकार किया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और वो दो भाषाएं जो हैं वो जो भाषाएं आपकी अंग्रेजी और फ्रेंच हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। और अगला प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी का जो पराक्रम पुरस्कार है वो कौन सा है, पराक्रम पुरस्कार का मतलब जो वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरी श्रेणी का पुरस्कार है वो कौन सा है, वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, तो यहाँ पे सी बिल्कुल महावीर चक्र है, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये दूसरे ये चक्र जो है द्वितीय श्रेणी या दूसरी श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार जो है मतलब पुरस्कार है, और यह जो है युद्ध के समय वीरता का पदक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जबकि परमवीर चक्र देश का सबसे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है। परमवीर कौन सा है, प्रथम सबसे पर मतलब परमवीर चक्र जो है देश का सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार है, ये ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस संघ शासित प्रदेश में सबसे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन दिल्ली है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बाद अगला प्रश्न, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, समाजवाद की विशेषता क्या है, तो सी यहाँ सभी प्रकार के जो उत्पादन स्रोत पर राज्य का स्वामित्व होता है यही समाजवाद कहलाता है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं है, तो राज्य सरकार का राजस्व स्रोत जो नहीं है वो आपका कौन सा है, आयकर है, आयकर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये केंद्र सरकार का है, ये ध्यान रखिएगा, और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राज्य किस राष्ट्रीय नेता की साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के साथ प्राणघातक चोट आने से मृत्यु हो गई थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इन्हीं लाला लाजपत राय को ही पंजाब का केसरी भी कहा जाता था। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध जब प्रदर्शन हो रहा था तो इनके सर पर लाठी जब लाठी चार्ज हुआ था तो इनके सर पर लाठी लग गई थी, जिसके फलस्वरूप इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई थी, ठीक, तो जहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर है, तो यहाँ पे ये भरूच है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी के तट पर बंदरगाह शहर है उसका नाम है भरूच, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और इसके साथ अगला प्रश्न है कि सेवा जो शब्द है, ये सेवा जो शब्द है इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि मोटेरा में एक प्रसिद्ध क्या है, मोढेरा लिखा हुआ है, मोढेरा में एक प्रसिद्ध क्या है, जैन मंदिर है, शिव मंदिर है, सूर्य मंदिर है, विष्णु मंदिर है, तो यहाँ पे जो है ये सूर्य मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों ने वर्ष 1857 के विद्रोह का जो नेता थे किसे घोषित किया गया था, तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र में रहने वाले नहीं थे, तो भक्ति काल के संत या भक्ति संत जो रहे महाराष्ट्र में नहीं रहते थे उनका नाम बताना है, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, सूरदास, तो
तो इनका नाम है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सूरदास एक अंधे कवि थे और इन्होंने यानी कि इनकी रचना जो है सूरसागर है, सूरसारावली है और साथ साथ साहित्य लहरी भी इन्हीं कवियों के प्रसिद्ध संग्रह हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसके बाद 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि 22 जून को क्या मनाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, अभी जल्द में गया है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न है कि किस स्थान पर जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की है? जमशेदपुर, मुंबई, दिल्ली, जूनागढ़। तो ये जमशेदपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जमशेद जी टाटा के द्वारा ये कंपनी का निर्माण किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है या ये किसका नारा है? तो ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगर पूछा जाता कि मरो करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो ये करो या मरो का नारा जो दिया गया है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? जो लंदन में स्थित है इंडिया हाउस, इसकी स्थापना किसने की है? पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के बाद अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना बहुत ईजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया है। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछता राजा राम मोहन राय हो जाते, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक एवं पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? 94 नंबर का क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे तेल शोधक एवं पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स की बात किया गया है यहाँ पे, तो ये जामनगर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है यानी कि कब सूर्य ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगने का जो क्रिया है या टाइमिंग है वो जब सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, किस कारणवश अंग्रेज ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था? तो कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का कारण जो रहा वो कारण है आपका गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इरविन ने कहा कि जो है हम समझौता करेंगे गांधी के साथ, तो ये सविनय अवज्ञा उनके द्वारा वापस ले लिया गया, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में यानी कि किसी भी राज्य में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मीरा कुमार, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुचिता कृपलानी जो थी ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, माफ कीजिए, हाँ प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, जो है यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अभी तक उत्तर प्रदेश में दो महिलाएं जो हैं कार्यभार संभाल रखी हैं, पहला सुचिता कृपलानी और दूसरा सुश्री मायावती जी। अगला प्रश्न है आपका, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे भारत का राज्यपाल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय की बात किया गया है यहाँ पे, यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात किया होता तो वहाँ पे आपका कौन सा हो जाता, भारत के राष्ट्रपति हो जाते। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, संसद में संसद सदस्य जो होते हैं उन अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, किस भाषा में अपने मतलब विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं? यहाँ भाषा की बात किया गया है, तो चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे अपनी मातृभाषा में हो, सभी में वो अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, मुल्ला पेरियार बांध जो है, इसी को लेकर के तमिलनाडु और केरल दोनों आपस में
विवाद खड़े कर रखे हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पे गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये मायने नहीं रखता, जैसे ये प्रश्न पूछा गया है ये मायने नहीं रखता है कि इसमें सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। वैसे बात किया जाए तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो आपका भारत रत्न है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद जो होगा उसी को तो दिया जाएगा आखिर जो है ऑप्शन के रूप में, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चेक। तो पहला उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि किसका मिलान सही नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं किस किस का मिलान सही नहीं है। यहाँ पे एक तरफ देश के नाम लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी लिखी गई है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बिल्कुल सही है, मालदीव की माले सही है, उत्तर कोरिया का सियोल, तो यहाँ पे उत्तर कोरिया का सियोल जो है यह ऑप्शन सही नहीं है, और जिम्बाब्वे का हरारे बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सही नहीं है तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग बताइए उत्तर कोरिया का जो है कौन सा हो जाएगा। सियोल वैसे दक्षिण कोरिया की राजधानी है, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, सियोल जो है दक्षिण कोरिया की, उत्तर कोरिया की राजधानी आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का समवर्ती राज्य है? 103 का ऑप्शन नंबर कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा, तो सबसे अधिक नज़दीकी जो है वो राजस्थान है उत्तर प्रदेश का। साथ साथ अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? ये कौशाम्बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में कोयला उत्पादन होता है? तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे मिर्ज़ापुर जिले में सबसे अधिक कोयला उत्पादन उत्तर प्रदेश में अपने होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थापित हैं? तो एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है और उसका नाम है नरौरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन अगला प्रश्न है, इसमें निजी वाहनों माफ़ कीजिए बहन कह रहे हैं निजी भवनों के ऊपर जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 25 के, अनुच्छेद 21 के, या फिर अनुच्छेद 14 के? यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 19 के ए में है, यानी कि उप भी दिया गया है, तो यहाँ पे 107 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 का पहला कहता है कि आप अपने निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस काउंसलिंग एक क्या है? तो भारतीय प्रेस काउंसलिंग जो है यह एक वैधानिक संस्था है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग न्याय का चौथा स्तंभ भी मानते हैं। क्लियर, चल। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो ये जो जैविक कृषि है ये सबसे अधिक पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किस वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो पहला ही ऑप्शन भूमध्य सागरीय वन जो होता है उसी को वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न यानी पोर्शन जो आता है आपका वो शिक्षण कौशल से आता है, इस पर भी 10 प्रश्न लोग देखेंगे। श्रव्य और दृश्य यानी जो देखने वाला और सुनने वाला सहायक सामग्री है उसके उपयोग के दौरान बालकों के कौन सा अंग सक्रिय होता है? यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, कान, नाक, मस्तिष्क, ये सभी हो जाते हैं, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि शिक्षण सिद्धांत के प्रकार कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 5, 3, 2, 4। तो शिक्षण सिद्धांतों को जो हम लोग विभाजित कर सकते हैं वो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
और इसी के साथ अच्छा बात करते हैं शिक्षण सिद्धांत के तीन भागों में विभाजित तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भवनों की दीवारों नदियों व नहरों के पुलों पर जो अंकित ऊंचाई होती है वो क्या कहलाती है, तो वो जो है बेंचमार्क कहलाती है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम संश्लेषण या अंतिम विश्लेषण में अध्यापन को किस विशेष ढंग से समझना चाहिए, माफ कीजिए समझना नहीं समझाना चाहिए, यहाँ पे देखिए समझाना है, तो यहाँ पे 114 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों की गतिविधियों को निर्दिष्ट करना ही विशेषण को अच्छे ढंग से समझाना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल, माफ कीजिए क्या कह रहे हैं, सी नहीं बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण की प्रमुख क्रिया कौन सी है, चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जो सही होगा 115 का वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं वो शिक्षण की प्रमुख क्रियाएं हैं, जैसे क्रियान्वय, प्रदर्शन, प्रस्तुतिकरण, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नकारात्मक भाषा व लंबे वाक्य विचार संप्रेषण को क्या बनाते हैं, आप प्रभावी बनाते हैं, सामान्य बनाते हैं या फिर कठिन बनाते हैं, तो यहाँ पे पहला आप प्रभावी बनाते हैं, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ अगला प्रश्न है कि जो चक्षुओं द्वारा दृश्य वस्तु मस्तिष्क की चेतनाओं पर अमिट प्रभाव डालती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन अरस्तु का है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। और साथ नेक्स्ट है कि गणित शिक्षण में ठोस आकृतियों की जानकारी किस विधि द्वारा दी जानी चाहिए, यह विधि जो है वो पहला मॉडल विधि के द्वारा दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन आंकड़ों का उपयोग हीदर ग्राफ में होता है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, औसत मासिक वर्षा एवं औसत मासिक तापमान जो होता है उसी के उपयोग हीदर ग्राफ में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि छात्रों का जो पूर्व ज्ञान होता है उसको जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या फिर पुनर्बलन कौशल, तो यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन पहला ही प्रस्तावना कौशल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना को ही पहले सारे डिटेल में दे दिया जाता है, प्रस्तावना में ही सारा गुण होता है, ठीक ध्यान रखिएगा पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न आ गए हैं, 10 प्रश्नों को इसके भी हम लोग फटाफट कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें पूछा गया है कि एक मिनट डी ऑप्शन भी साथ दिखने लगे तो सही रहेगा, उम्मीद है दिख रहा होगा। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे, तो कौन सा प्रभावशाली ढंग है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 121 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी बिल्कुल सही है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, वहीं पे बच्चे वातावरण से प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दूसरे व्यक्ति के वाह्य व्यवहार की नकल क्या है, सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है या फिर चिंतन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब दूसरे व्यक्ति के वाह्य व्यवहार की नकल करता है कोई, तो उसको अनुकरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि उदाहरण निरीक्षण विशेषण और वर्गीकरण नियमावली किस विधि के सोपान हैं, निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आगमन विधि के सोपान होंगे, भी सही होने के साथ। अगला प्रश्न है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण क्या कहलाता है या क्या होता है, इदम होता है, अहम होता है, पारा अहम होता है या परिस्थितियाँ होती हैं, तो यहाँ पे ये पारा अहम कहलाता है जो हमारे मूल्यों का अंतरीकरण करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा वो व्यवहार है जो बच्चों की अधिगम योग्यता की पहचान कराता है या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विमिंग जो इसको कहा जाता है, यही आपके बच्चों के अधिगम योग्यता की पहचान कराता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है तो क्या देख सकता है भाई, तो आंशिक रूप से जो देख सकता है वो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यही देखा जा सकता है। और अगला प्रश्न है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को
पढ़ने में कठिनाई तथा अनुभव करना अक्सर चक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो डिसलेक्सिया कहलाता है, यानी पठन विकार जो भी हो, पढ़ने में कठिनाई जहाँ भी हो वो डिसलेक्सिया हो जाएगा, लिखने में कठिनाई जहाँ भी हो, लिखावट से संबंधित जैसे भी समस्याएं उसको डिसग्राफिया कहा जाता है, और कैलकुलेट या गणित प्रॉब्लम जो भी समस्याएं आती हैं उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है, और साथ साथ पठन और लिखन में जब समस्याएं आती हैं तो उसको डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। सब ऑप्शन आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रवाह पूर्णतः व्यवहार मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित है? तो ये जो संबंधित है पहला ऑप्शन ये प्रतिभा के साथ संबंधित है, फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखना की व्याख्या क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो आपका गेस्टाल्टवाद कहलाता है। गेस्टाल्टवादियों के द्वारा अंतर्दृष्टि एवं सूचिका सिद्धांत भी दिया गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और रियल में गेस्टाल्टवाद के जनक जो माने जाते हैं वो आपके वर्दीमर माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में जो प्रगति तब होती है हो सकती है जब हम क्या? तो जब हम बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएं तो उनमें प्रगति तेज गति से होगी, यानी बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न को हम कराएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये सर के द्वारा आपको कराया जा रहा होगा, या नहीं कराया जा रहा होता तो एक दो दिन में वीडियो आपको मिलने लगेंगे। चलिए यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। साथ साथ यहाँ पे हॉट मेल का आविष्कार किसने किया है? तो हॉट मेल का आविष्कार करने वाले जो हैं उनका नाम है समीर भाटिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बाइनरी संख्या में दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका पावर पॉइंट में कौन सा ऑब्जेक्ट स्लाइड पर लगाया जा सकता है? तो इसमें जो स्लाइड पर लगाया जाता है वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन, चाहे वो टेक्स्ट हो, चित्र हो, ग्राफ हो, ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है अंडू कट कॉपी पेस्ट आदि के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो इसके लिए जो मेनू सेलेक्ट होता है एडिट होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे बार कोड रीडर जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। बाकी माउस है, टच स्क्रीन है, पेन लाइट है। जब इसको कहीं पर रख के टच करेंगे या रख के क्रिया करेंगे तो ये जो है पाउंड वहाँ से प्रतिक्रिया हो जाएगी, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी, इसी को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति का 10 प्रश्न यहाँ पर हम लोग फटाफट कवर करेंगे। तो इसका पहला ही प्रश्न है कि पुरस्कार किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो पुरस्कार जो है वो स्वविकारात्मक अभिप्रेरक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग कृत्रिम कहते हैं, क्या कहते हैं? कृत्रिम अभिप्रेरक कहते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि व्यावसायिक आचरण नीति किस प्रकार सहायता करती है? तो ये जो सहायता करती है वो उपयुक्त सभी प्रकार से सहायता करती है, चाहे वो निर्णय लेना हो, कौशल को पूरा लागू करना हो, या फिर विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय लेना हो, ये सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माताओं के समक्ष कौन से संवैधानिक मूल्यों की स्थापना सबसे बड़ी चुनौती थी? तो सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो आपका राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे कमजोर विधि सी बिल्कुल पाठ्य पुस्तक विधि बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है जीवन कौशल के अंतर्गत चिंतन कौशल में शामिल कौन सा है? तो यहाँ पे जो शामिल है वो उपयुक्त सभी शामिल हैं, जैसे आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन, निर्णय लेना, समस्या समाधान, ये सभी शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है शिक्षा में जो प्रयोजनवाद है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? 146 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला यहाँ विलियम्स जोन्स बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अभिवृत्ति के मुख्य अवयव कौन हैं? विचारात्मक है, क्रियात्मक है, प्रभावात्मक है, या ये सभी हैं? तो 147 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं ये आपके अभिवृत्ति के मुख्य अवयव होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि अभिप्रेरणा को सीखना जीवन की एक आवश्यकता शर्त है, या किसका कथन है कि अभिप्रेरणा को सीखना जीवन की एक आवश्यक शर्त है। चलिए कमेंट करके बताइए, मेंडल के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, थॉमसन के द्वारा या फिर सेच हल के द्वारा ये कहा गया है। 148 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ये मेंटल के द्वारा मेल्टन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंटन नहीं है, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक दंड है, निरादर, अवहेलना, प्रताड़ना या ये सभी। तो यहाँ पे सामाजिक दंड सभी हैं ये, चाहे वो अवहेलना की जाए या निरादर की जाए या प्रताड़ना की जाए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मूल संप्रदाय क्या है, और संप्रत्यय जो है मूल संप्रत्यय क्या है अभिप्रेरणा का, और साथ साथ ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, इसका कमेंट करके आप लोग को आंसर देना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अभिप्रेरणा के मूल संप्रेय की बात करते हैं, संप्रत्यय की। तो यहाँ पे आवश्यकता चालक और जिसको चालक और अंतर्नोद जिसको प्रतोहन प्रोत्साहन या उद्दीपन कहा जाता है, यहाँ पे डी बिल्कुल उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और सभी प्रश्न आपके समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग फटाफट कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।